या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। MT इंडिया आईडी से सवाल ये है कि टॉयलेट में थूकना कैसा है, टॉयलेट में थूकना मना है, टॉयलेट में थूकना क्यों मना है। बाथरूम के अंदर बहुत सारे लोगों को पैखाने के अंदर थूकने की आदत होती है। शरीयत ने इसको इसलिए मना किया है क्योंकि जो मुसलमान का मुंह होता है वो ज़रिया होता है कुरान पाक पढ़ने का, उसकी ज़ुबान ज़रिया होती है अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र की और दुरूद पाक की। तो जिस मुंह से दुरूद और कुरान पढ़ा जाता है तो उसके एहतराम के लिए शरीयत मना करती है कि थूक को जो है वो नापाक जगह पर ना थूका जाए। तो इसीलिए टॉयलेट के अंदर थूकने से जो है शरीयत ने मना किया है, क्योंकि ये मुसलमान का लुआब जो है वो एक तो पाक होता है और उसको नापाक जगह पर थूकना वो जायज़ नहीं है। अब इसके अंदर सूरत ये होती है कि जो टॉयलेट के अंदर थूकना मुराद होता है ना, उससे मुराद ख़ास टॉयलेट ही के अंदर थूकना होता है, मतलब वो शीट में या फिर पेशाब के अंदर। अगर वॉशरूम के अंदर या दीवार जो होती हैं उसकी दीवारों के ऊपर अगर कोई शख्स थूकता है जहाँ पर नजासत नहीं है तो उसमें कराहत नहीं होती, यानी ये टॉयलेट में थूकने का हुक्म वो नहीं होता। लोगों के अंदर ये गलतफहमी है, बल्कि गलतफहमी अच्छी भी है कि अगर वो पूरा मुकम्मली टॉयलेट में थूकने से परहेज़ करते हैं तो अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि ख़ास नापाकी की जगह पर यानी जहाँ पेशाब करे उसी में थूके या लेटरिन करे उसी के अंदर थूके, उस चीज़ से मनाओ। दीवार है जो साइड में वॉशरूम की दीवार है उसके ऊपर अगर थूकता तो हर्ज नहीं है। और लेकिन वहाँ पे उस सूरत में होता है कि जैसे बाज़ ऐसा होता है सुबह सुबह उठने के बाद बासी में होता है बंदा, वॉशरूम में चला जाता है तो ऑटोमेटिक थूक आता है, तो वो थूक उतना गंदगी फैलाने वाला या वैसा नहीं होता कि जिससे कोई घिनाए। वो एक यानी ऐसा थूक होता है कि जो जल्दी खुश्क और सूख जाता है पानी की तरह। तो अगर बंदा दीवार के ऊपर अक्सर वो थूकता है तो उसमें हर्ज नहीं होता, लेकिन ऐसे थूक को भी टॉयलेट या नजासत की जगह पर ना गिराया जाए। और ये उसके अदब और एहतराम के लिए शरीयत ने पाबंदी रखी है कि जिस मुंह से बंदा कुरान पढ़ता है उसकी भी एहतराम शरीयत ने किया है, मोमिन के थूक का भी एहतराम जो है ना वो शरीयत ने किया है। इसीलिए परहेज़ करने का हुक्म है कि आप जिससे पढ़ते हो कुरान और हदीस तो उसको वहाँ पर ये मामला ना किए जाएं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।